हेलो बच्चों, तो ये जो आज क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी है, मगर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत जरूरी भी है। ठीक, तो यहाँ पर पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। दिया है क्वेश्चन में, फोर पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलॉम। ठीक है, तो ये फिगर दिया हुआ है, फिगर मैंने आपके लिए पहले ही ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर फिगर में दिया हुआ था सिर्फ -5 माइक्रो कूलॉम, 2 माइक्रो कूलॉम, -5 माइक्रो कूलॉम, 2 माइक्रो कूलॉम। ठीक है, सेंटर मैंने डिनोट कर दिया, वो सेंटर हो गया जहां पर चार्ज क्यू नॉट है। ठीक, यहाँ पर ए मान लिया, यहाँ पर बी मान लिया, यहाँ पर सी मान लिया, यहाँ पर डी मान लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो साइड है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस साइड को मैंने क्या मान लिया, स्टार्टिंग में ए मान लिया है। ओके, तो जब साइड को हमने ए मान लिया है तो ये अब टू डायमेंशनल केस है। ठीक, तो टू डायमेंशनल केस होने का मतलब एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने कहा ये क्या हो जाएगा, एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे तो क्या होना चाहिए, आपको वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए वेक्टर का आना जरूरी है। तो यहाँ पर वेक्टर टू डायमेंशनल में देख लेते हैं कैसे होगा। ये हो गया हमारे लिए एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे लिए वाई एक्सिस। अब अगर बात करें, ये ओ हो गया तो ये वाला प्लस प्लस होता है, तो ये क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई हो गया। ये वाला देखें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक्स जा रहा है जबकि वाई ऊपर ही जा रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स कॉमा y। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें हम लोग, ये मैं डिनोट कर देता हूँ, a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। यहाँ वाले पे थर्ड कोऑर्डिनेट में देखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। फोर्थ कोऑर्डिनेट देखें तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला निगेटिव है, दाएं साइड वाला पॉजिटिव है, तो एक्स कॉमा माइनस वाई हो गया। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम लोगों को मिल गई। अब बात करते हैं कि यहाँ से सेंटर से ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ बी कितना हो जाएगा, ओ सी कितना हो जाएगा, ओ डी कितना हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ओ बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर। देखो साइड दोनों क्या माना है, ए माना है, स्क्वायर है, तो चारों साइड क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है आर वेक्टर बराबर कितना होता है, एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, r वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड वेक्टर, बट यहाँ पर क्यूब नहीं है तो z क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर r वेक्टर क्या हो जाएगा, ये देखो ए आई प्लस ए जे। अब देखते हैं कि यहाँ पर x कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर निगेटिव है। ठीक, तो ओ बी वेक्टर, ओ से बी की बात करें, ठीक, तो ओ से बी में देखें तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ओ बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए आई प्लस ए जे। ओके, ओ बी के बाद आ जाते हैं ओ सी पर, तो ओ सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, देखो ओ सी में एक्स पॉजिटिव वाई क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ठीक, तो ये ए आई माइनस ए जे। ठीक है, आ जाते हैं ओ डी पर, ओ डी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, तो माइनस ए आई माइनस ए जे। अब आ जाते हैं ओ ए पर, आप चाहें तो ओ ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी स्टार्ट करिए। तो ओ ए क्या हो गया, माइनस ए आई प्लस ए जे हो गया। हम लोगों को जो निकालना है वो निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0Q/r2 r यूनिट कैप। ओके, अब r की जगह यहां पर आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ठीक, लेकिन a यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो देखो r यूनिट वेक्टर बराबर होता है r वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ r। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपके क्या दिया हुआ है, सिर्फ ओ बी वेक्टर पता है, ओ सी वेक्टर पता है, ओ डी वेक्टर पता है और ओ ए वेक्टर पता है, यानी कि मॉड ऑफ ओ ए, मॉड ऑफ ओ बी, मॉड ऑफ ओ सी, मॉड ऑफ ओ डी नहीं पता है। ठीक, तो ये तो आपके डायग्राम से क्लियरली पता चल जाएगा, ये एक ट्राइंगल बना लीजिए आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर बराबर, सॉरी ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपके लिए सिंगल सी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्लियरली मैं लिख सकता हूँ
ट्रायंगल में क्लियरली आपको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ OA वेक्टर, ठीक, बराबर क्या होगा, सारे मॉड मिलेंगे तो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू सब बराबर हो जाएगी, तो मॉड ऑफ OA वेक्टर बराबर मॉड ऑफ OB वेक्टर बराबर मॉड ऑफ OC वेक्टर बराबर मॉड ऑफ सॉरी बराबर बराबर मॉड ऑफ OD वेक्टर, कितना हो जाएगा ट्रायंगल में स्क्वायर, ऐसे देख लो ट्रायंगल, ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक, ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है ए, ये निकालना है, तो ये जो भी दिया हुआ है ओ हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, तो ओ बी बराबर आपके लिए कितना हो जाएगा, टू अंडर रूट टू, और ये क्या हो जाएगा ए, ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूं ए रूट टू, ओके दैट इज गुड, ठीक, तो ये मिटा देते हैं भाई, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ओके नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो फर्दर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओ ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओ बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओ सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओ डी। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से या टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है, तो इस क्यू नॉट का कोई मतलब नहीं है वो कितना भी हो, ठीक, हालांकि जो क्यू नॉट होना चाहिए वो हमेशा बहुत स्मॉल होना चाहिए, अगर स्मॉलर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके तो यहां पर बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर, अब देखो हर एक में तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आना है ही, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहां से स्टार्ट किया था, बी से स्टार्ट किया था, बी पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, हमारे लिए बी पर चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलॉम, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 2, अब माइक्रो कूलॉम सब में है तो मैं बाद में लिख दूंगा, तो 2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर बराबर यानी यहां पर ए दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ए रूट 2 का स्क्वायर। अब सबसे बड़ी बात यहां पर जो दिया हुआ है आर यूनिट वेक्टर, हम बात कर रहे हैं ओबी वेक्टर की, तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा बी ओ कैप हो जाएगा, अब देखो कहां आ जाएं, बी से सी पर आ जाएं बेटा, तो सी पर चार्ज दिया हुआ है माइनस 5 माइक्रो कूलॉम, ठीक है, तो ये सीधे लिख देते हैं माइनस 5 माइक्रो कूलॉम, बाद में लिख दूंगा मैं आपके लिए, ये डिवाइडेड बाय ए रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, बी ओ ये क्या हो जाएगा सी ओ हो जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार। अब डी पर आ जाएं तो यहां पर चार्ज दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ए रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ओ हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा, लास्ट वाला माइनस 5 था, तो माइनस 5 अपॉन ए रूट 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए ओ हो जाएगा, ठीक, इंटू 10 पावर माइनस 6, क्योंकि सब में माइक्रो कूलॉम दिया हुआ था। अब यहां पर आप देखें बी ओ, ठीक, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, एक का लिख देता हूं मैं, आप बाकी सबके लिए समझ जाइएगा, ठीक है, तो बी ओ कैप बराबर कितना हो जाएगा आपके लिए, बी ओ वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी ओ वेक्टर, बी ओ कैप की वैल्यू कितनी है, ए आई बी ओ या ओ बी या बी ओ, ए आई प्लस ए जे डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू कितनी है, ए रूट 2 है, ठीक है, बी ओ वेक्टर की, इसी तरीके से ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, डी ओ वेक्टर, सब वैल्यू क्या है, ए रूट 2 है। तो फर्दर बी ओ पता है, सी ओ पता है, डी ओ पता है, ए ओ पता है, ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूँ, ए अपॉन रूट 2 जो है डिवाइडेड में वो कॉमन है, तो मैं E बराबर लिख देता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2, ये हो गया 2, बी ओ की वैल्यू कितनी है, बी ओ में दोनों पॉजिटिव थे तो ए आई प्लस क्या हो गया ए जे और डिवाइडेड बाय कितना है ए रूट 2,
a root 2 हो गया, ठीक है, माइनस 2 अपॉन माइनस सॉरी माइनस 5 बीओ के बाद सीओ है, तो सीओ में कितना हो गया माइनस 5 हो गया, तो ये हो गया माइनस 5 CO यानी OC कितना है AI माइनस AJ, AI माइनस AJ डिवाइडेड बाय A रूट 2 प्लस 2 CO, DO की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस AI माइनस AJ डिवाइडेड बाय A रूट 2, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर हमारे पास वैल्यू और कौन सी है, इसको मिटाते हैं, माइनस 5, ठीक है। अब हमारे पास बचा है OA, तो ये हो गया माइनस AI प्लस AJ डिवाइडेड बाय A रूट 2। अब देखा जाए तो सब में यहां पर A, यहां पर A, यहां पर A, यहां पर A, यहां हर जगह A है, तो A को कॉमन ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय रूट 2 जो है वो कॉमन लेते हैं, तो ऊपर भी A नीचे भी A यानी A कैंसिल आउट, सिर्फ 1 अपॉन रूट 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, स्क्रीन बहुत बड़ी हो गई है, सॉरी ज्यादा ही छोटा हो गया। अब देखते हैं बेटा कितना आया हमारे पास आंसर, तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर, फिर से बाहर से रूट 2 आ गया, ये ए और ये सब बाकी जो ए थे वो सब कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा तो हमारे पास बचा कितना, अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 ए आई बचा, ठीक है, यहाँ पर बचा प्लस 2 ए जे बचा, यहाँ पर कितना बचा माइनस 5 ए आई बचा, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस सॉरी ए तो कहीं आएगा ही नहीं, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, 2i प्लस 2j माइनस 5i माइनस 5j, उसके बाद माइनस 2i माइनस 2j माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5i और ये माइनस 5j, ओके। तो कैलकुलेट करते हैं, 2i यहां पर, 2i यहां पर कैंसिल आउट, माइनस 5i यहां पर प्लस 5i यहां पर कैंसिल आउट, माइनस 5j यहां पर प्लस माइनस 5j हो गया ये, और ये था माइनस इंटू माइनस तो ये था प्लस, तो ये हो गया प्लस 5j कैंसिल आउट, 2j यहां से कैंसिल आउट, 2j यहां से कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना बच गया E is equal to something this 1 upon 4 pi epsilon naught 2 root 2 a square into 0, hence electric field at the center O is 0, ठीक। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मैग्नीट्यूड हमको जब जीरो मिल गया तो डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि टुवर्ड द सेंटर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया सारा जो सेंट्रल फोर्स लग रहा है वो किसके डायरेक्शन में लग रहा है, इक्विलिब्रियम में लग रहा है। हालांकि अगर आप देखते तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक, कैसे आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि यहां पर चार्ज 2 माइक्रो कूलॉम था, यहां पर भी चार्ज माइक्रो माइनस 2 माइक्रो, 2 माइक्रो कूलॉम 2 माइक्रो कूलॉम, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ये इसको अपोज कर देंगे, ये दोनों चार्जेस कितने हो जाएंगे फोर्स के टर्म में जीरो, माइनस 5 माइक्रो कूलम माइनस 5 माइक्रो कूलम, दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे देखो दो पॉइंट में देखने में भले लग रहा होगा ये प्लस है ये दोनों माइनस है रिपल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, एक एक्स एक्सिस पे आ रहा है दूसरा वाई एक्सिस पे आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे टोटल चार्ज आपके लिए जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सेंट्रल फोर्स लग रहा है वो आपके लिए कितना लग जा रहा है जीरो लग जा रहा है, ठीक है। Thank you.